शुभज्योति लाइफस्टाइल चैनल, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल के बारे में। तो मैंने अभी एक कैमरा परचेज किया है जो कि है कैनन का। तो आज इसका रिव्यू मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि अगर आप भी अगर लेना चाहो तो आपको हेल्प हो सके। इसके बारे में जानकारी होने के बाद में थोड़ा ईजी पड़ता है किसी भी चीज़ को लेने के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहे। और अगर सब्सक्राइब करते रहोगे तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगी, तो आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है कैनन का कैमरा। इसका मॉडल है SX430IS, जो कि इसमें बहुत अच्छे फीचर दिए हुए हैं। तो अगर वीडियो बनाते हैं या फिर फोटोज वोटोज का जिनको शौक है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और ज़्यादा मतलब हाँ है ही, थोड़ा बजट फ्रेंडली तो नहीं बोल सकते, महंगा ही है, लेकिन इनसे महंगे बहुत आते हैं। तो ये अभी शायद बंद है, कभी कभी अवेलेबल रहता है, इसकी लिंक शायद मैं ना दे पाऊँ। तो आप लोग जब भी मैं इसकी लिंक रहेगी तो मैं आपको शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी, तो आप चेकआउट करते रहिएगा ताकि जब भी अवेलेबल हो आपको ये मिल सके। तो ये मैंने लिया है अमेजोन से। ये आया था ऐसे एक बॉक्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेजोन लिखा है, ऐसे बॉक्स में आया था ये। और ये इसका बॉक्स है, ऐसे बॉक्स में ये मुझे मिला है, आप देख सकते हैं। तो चलो अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये है कैसा। खुल गया, काफी अच्छे से इसको रखा है सेफली। तो ये है इसका कैमरा, जो कि ऐसे बबल्स वाले पन्नी में आता है। और ये है इसका वारंटी कार्ड, इसका वारंटी कार्ड है, मैं इसकी फोटो स्क्रीन पे लगा दूंगी तो आप देख लेना। और इसके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन की भी बुकलेट दी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और इसके साथ में और आया है ये केबल, हाँ इसको बैटरी के लिए दिया गया है, बैटरी चार्ज करने के लिए। और ये है इसका बैटरी चार्जर, आप देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे बैटरी लगानी होती है, और बैटरी लगाने के बाद में फिर इसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं आप, और फिर उसके बाद में यहाँ से वो बैटरी निकाल के आप कैमरे में लगा देंगे। इसके साथ में ये एक्स्ट्रा में आया है मुझे, ये है वो कैमरा, आप देख सकते हैं कैसा है इसका डिस्प्ले है ये। और ये बैक से ऐसा है और आगे से ऐसा है, आप देख सकते हैं। ये है इसके आगे यहाँ पे लगाने के लिए कवर, जैसे निकाले, ये भी यहाँ पे लगा हुआ नहीं था, हमने इसकी रस्सी भी यहाँ पे ही दी गई थी तो हमने लगा ली है इसको निकाल के, वैसे उस टाइप की वो भी है, देख सकते हैं ये कैसा है। इसको ऑन करने के बाद में फिर आप जैसे जूम आउट वगैरह करेंगे तो ये ऐसे आप देख सकते हैं कम ज्यादा होता है। झूम करो तो आगे जाएगा, अगर झूम कम करो तो फिर ये जाएगा। अगर थोड़ी देर तक आप अगर इसको ऐसे नहीं करेंगे ना, मतलब ऐसे ही पकड़े रहेंगे तो ये अपने आप अंदर और चला जाता है और क्लोज भी हो जाता है अपने आप। काफी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं इनके प्राइस के हिसाब से। पहले ये बहुत कम प्राइस में आता था, अभी ये इसकी प्राइस थोड़ा बढ़ गई है। अब
से कोरोना आया है तब से हर चीज के रेट तो बढ़े, मतलब आसमान को छू रहे है, ऐसा चल रहा है अभी तो। इसके भी रेट पहले मतलब 10, 11, 12 ऐसे आते थे, 5, 6, 7 हज़ार का भी आता था जब ये लॉन्च हुआ था शायद, तो उससे अभी तो ये बहुत महंगा आया है। मैं इसका रेट और इसका बिल वगैरह मैं ऐसे स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा और आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले। ओके, तो चलो अभी देखते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन। वैसे तो इसके कवर में भी दी गई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, फिर भी मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। इसकी बैटरी अलग से आई थी, हमने वो कैमरा में लगा दी है इसलिए मैं इसको खोल के भी नहीं बताऊंगी। सिंपल सी बैटरी होती है जैसे फोन वगैरह में रहते हैं वैसे। इसकी बटन यहाँ पे ऊपर दी है ऑन ऑफ वाली ये, और इससे आप क्लिक ले सकते हैं, मतलब शॉर्ट ले सकते हैं आप इससे। ओके, ये बटन है, और यहाँ पे कुछ जो फीचर्स वाले जो मेनू वगैरह के बटन से वो यहाँ पे है। रिकॉर्डिंग की बटन ये है, ओके, मेनू की बटन है ये वाईफाई वाली है। तो चलो अभी इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं क्या क्या है। कैनन, इसका ब्रांड नेम है कैनन, और मॉडल नेम इसका SS43IS है, पावर शॉट है मॉडल नेम इसका, पावर शॉट मॉडल नेम है, और SS430IS। ओके, प्रोडक्ट डायमेंशन 16x14.5x10.5 cm, 600 ग्राम का है ये, और बैटरी इसकी 1D बैटरीज रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा है, तो 20 मेगापिक्सल के साथ में आएगा ये कैमरा। स्पेशल फीचर यहाँ पे टाइम लैप्स से दिया गया है, और मिनिमम फोकल लेंथ इसके 24 mm है, वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन है 1080। कनेक्टर टाइप इसका वाईफाई है, लेंस टाइप इसका जूम है, मैन्युफैक्चर कैनन। तो चलिए गाइज, मैंने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर आपको कुछ लगता है कि मैं इसकी पूरे फीचर्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका मतलब इससे क्या क्या अच्छे कर सकते हैं, क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं। मैंने अभी तक इसे ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, अभी मैंने बस लिया है, तो मैं इसका रिव्यू आपके लिए लेके आई हूँ। यहाँ पे दिया गया है एक और फ्लैश। तो चलिए गाइज, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है और इसका रिव्यू मैंने दे दिया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे वहाँ पे भी चेकआउट कर लेना। अगर जब अवेलेबल रहेगा आप चेक करते रहना। मैंने ये अमेजोन से ख़रीदा है, तो अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको मिल जाए तो। वैसे ये अभी इजीली अवेलेबल नहीं रहता है, तो देखना पड़ता रहता है। ओके, तो अभी इसके बारे में जान लिया है हमने, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, अगर उनको लेना होगा तो उनको भी हेल्प हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।